हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 2 का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम बच्चों अब द्वितीय सत्र पढ़ेंगे। एक पहला सत्र हमारा पूरा हो गया है। आज द्वितीय सत्र में हम पढ़ेंगे पाठ 9 बुलबुल। पाठ 9 हमारा जो है बुलबुल। तो देखो प्रश्न पहले, सॉरी, हम पाठ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ा पढ़ा के समझाती रहती हूँ। तो देखो, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? क्या कभी तुमने बुलबुल देखी? बुलबुल यानी क्या होती है? चिड़िया होता है। क्या होता है? चिड़िया होती है। तो देखो ये सब क्या है? चिड़िया है। ये क्या है? हमारी चिड़िया का जितने भी ये दिए हुए हैं, ये कोई दर्जिन चिड़िया है, कोई वैसी चिड़िया है, कोई कलगी वाली चिड़िया, ये सब कितनी क्या है हमारी, ये चित्र में दी गई है, ये सब क्या है? हमारी चिड़िया ही हैं। तो बुलबुल यानी क्या होता है? चिड़िया है। सब चिड़ियों के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो ये पाठ एक कविता की तरह ही है, हम ये पाठ को एक कहानी की तरह समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो देखो हमारा पहला क्या है, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? तो हाँ, हमने बुलबुल देखी है। देखिए ना आप सबने बच्चों बुलबुल, तो हाँ हम सबने बुलबुल देखी है। बुलबुल यानी चिड़िया को तो सबने देखा ही है, तो चिड़िया हम सबने देखी है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। देखो बुलबुल को कैसे पहचानेंगे? उसकी देखो ये लंबी पूंछ है, इसके यहाँ पे लाल है, इसकी चोंच ऐसी तिरछी और सीधी है, ऊपर माथे पे काला है, यहाँ पे भूरा है, तो ये क्या है? चिड़िया है। तो इसको हम पहचान सकते हैं। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि हमको कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलते मिले तो क्या करना है? उसकी पूंछ को देखना है। क्या करना है? उसकी पूंछ को देखना है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझना है कि वह चिड़िया बुलबुल है। देखो ये पूंछ वाले के नीचे जगह लाल है ना, तो क्या है? ये चिड़िया हमारी बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा, जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा ध्यान से देखना। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा ध्यान से देखना। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। क्या है? बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग देखो ये क्या है? सफ़ेद होता है ना, तो ये बुलबुल के पूंछ की सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिरे का रंग काला होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। देखो ये बाकी का शरीर क्या है? भूरा है, और सिर का रंग कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल क्या है? ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। तो देखो ये सब क्या है? ये देखो ये जो नहीं है, इसके देखो ये रहा, इसके काले सिर कलगी है, इसके कलगी है। तो ये सब क्या है बच्चों? हमारी बुलबुल है। क्या है? बुलबुल है, यानी बुलबुल यानी चिड़िया है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सिपाही बुलबुल। तो देखो ये इसके कलगी है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल पीपल के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर क्या खाती है? कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। क्या करती है? वह हमारी तरह फल और सब्जी भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। तो बुलबुल क्या क्या खाती है? पीपल या बरगद के पेड़ पे कीड़े भी खाती है, वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, क्योंकि उसको वो दोनों वस्तु ही बहुत ही पसंद है, इसलिए वो वहाँ पे क्या करती है? हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की
पतली जड़ों से बुनती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधे की पतली पतली जड़ों से बुनती है। वह अपना घोंसला कैसे बनाती है? छोटी हुई घास पतली पतली जड़ों को लेकर वह अपना घोंसला बनाती। घोंसले के अंदर एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। घोंसला कैसा दिखता है? एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। चिड़िया बुलबुल जो हमारी होती है वो कितने अंडे देती है? 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उसके अंडे कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उन पर कुछ लाल कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। अगर तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उन पर कुछ लाल कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो बुलबुल को क्या है? 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनके ऊपर क्या है? कुछ लाल और कुछ भूरी और कुछ बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देती है। तो आप बुलबुल के अंडों को देखेंगे तो आपको इस तरह से पता चलेगा। तो बच्चों आज मैंने आपको बुलबुल का पाठ समझा दिया है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप हर पाठ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे हैं इस किताब के अंदर। तो अब मैं आपको इसका स्वाध्याय कराती हूँ। तो देखो पहचानो इनमें से बुलबुल कौन है। उसके चित्र के ऊपर गोल लगाओ। तो ये क्या है? बुलबुल है। तो इसके चित्र के ऊपर हमने गोल लगा दिया है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ के नीचे का लाल रंग देखकर पहचाना। ये देखो पूंछ के नीचे का लाल रंग देखकर बुलबुल को पहचाना। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। क्या है? सिपाही बुलबुल के नीचे सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? क्या है? ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो देखो पहले क्या है? पक्षी। तो क्या है? मुर्गा। पक्षी जो यहाँ पे हमको चित्र दिया है मुर्गा है। तो इसका कलगी का रंग कैसा होता है? देखो यहाँ पे ये मुर्गे का कलगी का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। फिर दूसरा लिखेंगे हम मोर। तो यहाँ पे मोर का चित्र दिया है तो इसका क्या होगा? कलगी का रंग हरा। तो यहाँ हम हरा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मुर्गा, कलगी का रंग लाल, मोर और हरा। अब प्रश्न नंबर हमारा जो आगे है वो देखते हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहा गया है? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल उसके सिर की कली काली कलगी की वजह से कहते हैं, क्योंकि सिपाही के सिर पर भी कलगी होती है। क्या है बच्चों? फिर से, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल उसके सिर के काली कलगी की वजह से कहते होंगे क्योंकि सिपाही के सिर पर भी कलगी होती है। अब प्रश्न आगे देखो। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। क्या है? बहुत सी बातें बताई गई है, उनमें से आपको 3 बातें लिखनी है। उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग होता है। क्या है? उसकी पूंछ के नीचे क्या होता है? लाल रंग होता है। फिर दूसरा है, वह ऊँची आवाज़ में बोलती है। क्या है? वह ऊँची आवाज़ में बोलती है। तीसरा है, वह कोई सब्जी और फल भी खाती है। क्या है? वह कोई सब्जी और फल भी खाती है। पहला क्या है? उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग होता है, वह ऊंची आवाज़ में बोलती है, वह कीड़े सब्जी और फल भी खाती है। फिर बुलबुल और तुम। तो बुलबुल पहला है, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बनाते हो पता करो। तो क्या है? बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तो हमारा घर किससे बनाएंगे? ईंट पत्थर सीमेंट आदि से बनाएं। किससे बनाएंगे? ईंट पत्थर सीमेंट आदि से बनाएंगे। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो बुलबुल क्या खाना पसंद करेगी? बुलबुल को कीड़े सब्जी फल आदि खाती है। क्या है? वैसे तो बुलबुल कीड़े सब्जी फल आदि खाती है, पर उसे अमरूद और मटर बहुत पसंद है। क्या है? बुलबुल को अमरूद और मटर बहुत पसंद है। मुझे और तुम्हें क्या क्या पसंद है? देखो प्रश्न में देखो तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे केक बिस्कुट आइसक्रीम और ताजे फल पसंद है। जो आपको पसंद हो वो यहाँ पे आपको लिखना है।
अब देखो यहाँ पे बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो तुम में से कौन कौन से ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कब कब, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो नाम कब कब, तो यहाँ पे आप पक्षियों का भी नाम लिख सकते हो, जानवरों का भी नाम लिख सकते हो, और हम हमारे परिवार के बारे में भी लिख सकते हैं। तो देखो पहले क्या आएगा, नाम में माँ, तो माँ क्या खाना न खाने पर हमको बोल बोल करती है, क्या माँ खाना खाना खाने पर हमको बोल बोल करती है। फिर पिताजी, पिताजी हमको क्यों बोलते हैं, कार्टून ज़्यादा देर तक देखने पर, क्या कार्टून ज़्यादा देर पर देखने पर। फिर बड़े भैया, बड़े भैया क्यों बोलते हैं, उनकी किताबें बिखेरने पर, बड़े भैया क्यों बोलते हैं, उनकी किताबें बिखेरने पर। फिर देखो चौकीदार, चौकीदार क्यों बोलता है हमको, फूल तोड़ने पर, क्यों बोलता है फूल तोड़ने पर। अध्यापिका, तो दूसरे बच्चे को तंग करने पर, क्या है अध्यापिका दूसरे बच्चे को तंग करने पर। तो इस तरह से हमको ये करना है। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे के पीरियड में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के पीरियड में ये पाठ का जो आधा रह गया है वो आगे के पीरियड में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चों, थैंक यू।